ये देख लीजिए आइसर का 485 फाइव स्टार वाला यह ट्रैक्टर है। और आज की इस वीडियो में हम इस ट्रैक्टर के सारे स्पेसिफिकेशन, क्या क्या कंपनी इस ट्रैक्टर में फीचर्स देती है, इसके ओवरऑल लुक, सब चीज़ों की बात करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम ट्रैक्टर के जो लुक है इसका उसकी बात कर लेते हैं। तो आइए ट्रैक्टर के फ्रंट से सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको देख लीजिए कुछ स्टाइल में आपको यहाँ पर हेडलाइट मिल जाते हैं, इसके चौकोर स्टाइल में आपको हेडलाइट मिलते हैं, उसके साथ साथ आपको क्रोम के साथ में यहाँ पर आपको उसकी ब्रांडिंग वगैरह मिल जाती है, काफ़ी शानदार ये बात होने वाली। वहीं यहाँ पर आपको देख लीजिए जाली मिल जाती है, रेडिएटर को अच्छे से हवा मिल सके उसके लिए यहाँ पर आपको जाली दी गई है। उसके साथ साथ क्रोम के साथ यहाँ पर आपको देख लीजिए यहाँ पर आपको जो इसकी डिज़ाइनिंग है वो भी दी गई है। फ्रंट में बंपर की बात करें तो काफ़ी बंपर मिल जाता है, काफ़ी शानदार बात होने वाली है। जो इसके अगर हम एक्सल की बात करें तो हेवी ड्यूटी आपको इसमें इसका जो हेवी एक्सल मिल जाता है, काफ़ी शानदार आपको इसमें एक्सल मिलता है। इसका फ्रंट टायर साइज की बात करें तो 750/16 का आपको इसमें फ्रंट टायर साइज मिल जाता है। वहीं ड्यूल एक्टिंग आपको इसमें पावर काफ़ी शानदार बात होने वाली है। जो अब आइए हम इस ट्रैक्टर के इंजन स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो आपको इस ट्रैक्टर में जो है एयर कूल्ड वाला आपको इसमें इंजन मिलता है। इंजन की बात कर लेते हैं तो आपको इसमें 3 सिलेंडर इंजन मिलता है, एयर कूल्ड आपको इसमें इंजन मिलता है, एयर के साथ में आता है, जो मतलब एयर से कूल होता है इंजन, वो आपको इसमें इंजन मिल जाता है। 49 HP का यह इंजन है, 2945 cc का आपको इसमें इंजन मिलता है, 49 HP का आपको इसमें इंजन मिलता है। 3 सिलेंडर के साथ में यह इंजन आता है, 2200 रेटेड RPM पर अपनी मैक्स पावर जो है वह यह प्रोड्यूस कर देता है, काफ़ी शानदार ही बात होने वाली है। इसके साथ साथ काफ़ी शानदार दी गई है, अगर आपका किसान का हाथ वगैरह कोई भी समस्या परेशानी वगैरह नहीं होती। इसके साथ आपका यहाँ पर बहुत अच्छे प्रिंट भी दिया गया है, डीजल से पानी अलग आप यहाँ पर हो जाएगा, नीचे टी दी गई है, साइड बाई साइड अपने डीजल में पानी जो है वह निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपको इसके डीजल फिल्टर मिल जाते हैं, काफ़ी शानदार बात है। आइए अब हम इस फिल्टर के उस साइड चलते हैं और इसके अदर फीचर से यहाँ पर आप देख लीजिए इसमें एयर कूल्ड आपको हवा के लिए यहाँ पर जो आते हैं वो मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको इसका जो ऑयल फिल्टर है वो देख लीजिए, हाइड्रोलिक ऑयल वगैरह के लिए आपको रेडिएटर वगैरह मिलता है सामने, ये देख लीजिए यहाँ पर बताइए ये रेडिएटर मिलता है, क्योंकि ये जो फिल्टर है ये अपना ऑयल कूल करता है। यह जो ट्रैक्टर है ये आपको इसमें एयर कूलर का मिलता है। दोनों में अगर कंपेरिजन बात करें तो आपको इन दोनों में जो है अपने एवरेज का फर्क रहता है, ताकत का फर्क रहता है। जो एयर कूलर लगा है वो एवरेज वगैरह में बहुत शानदार होता है। आयसर ही कंपनी जो है वो अपने जो एयर कूलर इंजन है वो बना रही है, काफ़ी शानदार बात होने वाली है। यहाँ पर आप देख लीजिए बैटरी का आपका बहुत आयसर की ब्रांडिंग के साथ में काफ़ी शानदार है। वहीं अगर हम टायर साइज की बात करें फ्रंट टायर तो 750/16 का मिलता है, वहीं बैक टायर साइज की अगर हम बात करें तो आपको इसको ट्रैक्टर बैक टायर साइज वो 1428 का आपको इस ट्रैक्टर में बैक टायर साइज मिल जाता है। उसके बाद देख लीजिए अब हम ऊपर चढ़ेंगे, ऊपर इसके जो फीचर वगैरह क्या क्या फीचर्स मिलते हैं देख लीजिए, काफ़ी शानदार ही आपको इसमें फीचर्स मिलते हैं। देख लीजिए यहाँ पर आपको कुछ स्टाइल में स्टीयरिंग मिल जाती है, नॉब के साथ में आती है स्टीयरिंग, काफ़ी शानदार स्टीयरिंग है। देख लीजिए आपको छोटी स्टाइल में अपने चलाने वगैरह में कोई भी समस्या नहीं होगी। डिजिटल का सिग्नल का आपको इसमें मीटर मिल जाता है, काफ़ी सारे इंडिकेशन मिलते हैं। फ्यूल के साथ साथ आपको इसमें बैटरी टेम्परेचर वगैरह RPM वगैरह का डिजिटल आपको यहाँ पर मीटर मिलता है। स्विचेस की बात करें तो हेडलाइट का आपको यहाँ पर स्विच मिल जाता है, काफ़ी शानदार बात होने वाली है। जो यहाँ पर आपको जो इसकी रेस है हैंड रेस उसका लीवर आपको यहाँ पर मिल जाता है, मिरर मैंने बता दिया आपको। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको चाबी लगाने के लिए स्विच मिलता है, अपना इंजन स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर आपको देख लीजिए यहाँ पर मिलता है सॉकेट, यहाँ पर इंजन स्टॉप के लिए लीवर मिल जाता है, ये देख लीजिए। यहाँ पर आपको हॉर्न वगैरह का स्विच मिल जाता है, यहाँ पर इंडिकेटर और इसके जो हजार्ड लैंप है उनके स्विचेस यहाँ पर आपको दिए गए हैं। क्लच की अगर बात करें तो इस ट्रैक्टर में आपको ड्यूअल क्लच मिलता है, देख लीजिए ब्रांडिंग भी बता देता हूँ मैं कंपनी द्वारा की गई है। ड्यूअल क्लच आपको इस ट्रैक्टर मिल जाता है, काफ़ी सॉफ्ट ही क्लच होने वाला है इस ट्रैक्टर का। ब्रेक की बात करें तो ऑयली मस्ट मल्टी डिस्क ब्रेक मिल जाता है आपको इस ट्रैक्टर में, काफ़ी शानदार ही ब्रेकिंग रहती है ट्रैक्टर की ऑयल इमर्ज्ड होने के कारण। वहीं गेयरबॉक्स की अगर बात करें आपको इसमें साइड शिफ्ट गेयरबॉक्स मिलता है, देख लीजिए हाई लो के साथ में आता है। वहीं 1 2 3 4 प्लस रिवर्स 8 स्पीड फॉरवर्ड, वही 2 रिवर्स का आपको इसमें ऑप्शन मिल जाता है, देख लीजिए काफ़ी शानदार बात होने वाली है। प्लेटफॉर्म की बात करें तो कुछ स्टाइल में आपको यहाँ पर प्लेटफॉर्म मिल जाता है। फुट रेस्ट की बात करें तो यहाँ पर आपको फुट रेस्ट दी गई है, वहीं हैंड जो इसका हैंड ब्रेक है उसकी
बात करें तो यहाँ पर आपको हैंड ब्रेक इसका दिया गया है। लिफ्टिंग कंट्रोल की अगर हम बात करें आपको यहाँ पर आपको लिफ्टिंग कंट्रोल मिल जाते हैं, देख लीजिए 1650 केजी की आपको इसमें लिफ्टिंग कैपेसिटी मिलती है, काफ़ी शानदार बात होने वाली। ऑक्सरी वाल्व के साथ में आती है लिफ्टिंग, देख लीजिए आप जो है ट्रॉली वगैरह प्लग वगैरह इसमें आप कर सकते हैं, डबल डिस्ट्रीब्यूटर जो कि आपको इसमें मिल जाते हैं। आपको इस ट्रैक्टर में अगर हम बैग एक्सल की बात करें तो आपको इसमें ट्रैक्टर का जो बैग एक्सल है वो बुल वाला आपको इसमें एक्सल मिलता है, देख लीजिए यहाँ पर आपको बुल वहीं स्ट्रेट एक्सल है इसका पूरा। वहीं अगर इसकी पीटीओ पावर की बात करें हम तो इसमें आपको 41 HP की पीटीओ पावर मिल जाती है, साथ ही साथ इसमें 1650 केजी की आपको इसमें लिफ्टिंग कैपेसिटी मिल जाती है, काफ़ी शानदारी बात होने वाली। 3 पॉइंट सेंसिंग में आपको इसकी लिफ्ट मिलती है, देख लीजिए 3 पॉइंट सेंसिंग आप अपनी ज़मीन के हिसाब से इसको सेट कर चला सकते हैं। वहीं अगर बैक में अगर हम बात करते हैं पर आपको एक हेडलाइट मिल जाती है कुछ स्टाइल में, देख लीजिए काफ़ी शानदारी बात होने वाली है जो काफ़ी रात में आपको मददगार होने वाला है यह लाइट। और चलिए अब हम और अदर जो इसके हैं वो फीचर्स जान लेते हैं। तो भाई ये था अपना आयशर का 485 ट्रैक्टर। अगर आपको इस ट्रैक्टर की सारी जानकारी अगर आपको मिल चुकी है तो धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नई वीडियो।